एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना दिस साइड वंस अगेन। एंड आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप लोगों के साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करने के लिए कि मैं कैसे कैबिन क्रू बनी और मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन आई और क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में कैबिन क्रू बनने से पहले और कितनी चीजें मैंने फेस करी, क्या प्रॉब्लम फेस करी। आप में से बहुत लोग हैं जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं या कैबिन क्रू बन चुके हैं। आप लोगों ने ये चीजें फेस करी होंगी या आप ये चीज फेस करके और शायद इस वीडियो से रिलेट कर पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने कैबिन क्रू बनने का कैसे सोचा था, एक्चुअली व्हेन आई वाज इन फोर्थ क्लास मेरे को शुरू से यही था कि मेरे को कैबिन क्रू बनना है। बट इन बिटवीन किंगफिशर डूबी थी, आई गेस उसी टाइम के आसपास ही डूबी थी, तो मेरे फादर ने मुझे कुछ साल बाद मना कर दिया था कि तुम नहीं बन सकती हो कैबिन क्रू बिकॉज जॉब में बहुत रिस्क होता है। फिर मैंने कुछ और डिसाइड किया, बट यू नो व्हाट, जब आपको कुछ चाहिए होता है तो चीज़ें अपने आप आपके पास आ जाती हैं। तो क्या हुआ कि जब मैं ट्वेल्थ में पहुंची, फिर मैंने आई वॉज अ PCM बैकग्राउंड, हाँ दूर दूर से कुछ भी नाता नहीं था कि मैं क्रू बनूंगी या कुछ भी उस समय दिमाग में नहीं था। बट फिर क्या हुआ, मैंने एक दिन, मेरे एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम सब कुछ खत्म हो गया था, रिजल्ट आ गया था, मैंने IIT का पेपर दे लिया था, एवरीथिंग, JEE मेंस मेंस, सो व्हाट PCM बैकग्राउंड पीपल डू, आई वाज डूइंग दैट सेम थिंग कि इंजीनियरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सडनली आई गॉट पॉप आउट, जैसे हमारे वेबसाइट्स वगैरह पे कभी कभी आ जाता है कि आप इसके लिए अप्लाई करो, इसके लिए अप्लाई करो, तो मेरे पास एक इंस्टीट्यूट का पॉप आउट आया व्हेन आई वाज गूगलिंग समथिंग और डूइंग समथिंग। मैंने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, फिर उसके बाद मुझे कॉल आया और उन्होंने एक इंटरव्यू सेशन लाइनअप किया एंड वी वेंट, वहाँ पे गए एंड आई रियली गॉट इंस्पायर्ड बिकॉज वीडियोज आपको ऐसे ही दिखाते हैं ताकि आप इंस्पायर हो जाओ ऑफकोर्स। फिर मैंने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अब कैसे ज्वाइन किया, जब हम वहाँ गए ना उन्होंने बोला अगर आप कुछ पेमेंट आज कर दोगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफकोर्स इन जो हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट जाता है, 1 to 1.5 lakhs, एंड आई थिंक इतना अमाउंट किसी भी इंसान के लिए या कोई भी जो बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है लाइक मी, उसके लिए बहुत ह्यूज होता है। तो वो लोग मुझे डिस्काउंट दे रहे थे, दे वर गिविंग मी दिस कंप्लीट कोर्स इन 90,000 ड्यू टू बिकॉज ऑफ विच आई नीड टू पे 20,000 एट दैट मोमेंट। सो वॉट हैपन्ड, वी वर नॉट कैरिंग दैट मच ऑफ मनी, माई मदर हैड दैट मच ऑफ कैश फॉर सम रीजन, शी वॉन्टेड टू बाई समथिंग और फॉर हाउस होल्ड थिंग, शी गॉट दैट स्टफ। सो दे सेंड वन पर्सन विद अस, वो हमारे साथ घर तक आया, उसने हमारा वो जो भी अमाउंट था वो लिया, हमें एक रिसिप्ट दी एंड देन आई ज्वाइन बैक एंड आई कंटिन्यू विद दैट इंस्टीट्यूट। सो आई टेक पॉज ओवर हियर गाइस, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना मैंडेटरी नहीं है, एयरलाइंस अपने पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्ट करती हैं, ठीक है। सो आपको गूगल पे सारी जानकारी मिल जाएगी, एयरलाइन कब कहाँ पे कौन से स्टेट में कब इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है, कितनी बार इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है, आपको हर चीज की नॉलेज मिलती है। बेटर टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट, उससे बेटर है कि आप वॉक इन इंटरव्यूज दो। अगर इफ यू थिंक यू रियली नीड टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट, प्लीज गो फॉर द इंस्टीट्यूट विच आर रिकमेंडेड बाय द एयरलाइंस और विच आर अ पार्ट ऑफ एयरलाइंस, बिकॉज वहां पे आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। जहाँ जॉब सिक्योरिटी है वहाँ आप स्पेंड करो तो कोई बेनिफिट भी, अगर आप वहाँ स्पेंड नहीं कर रहे हो किसी भी लोकल इंस्टीट्यूट में, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में स्पेंड कर रहे हो तो जॉब फिक्स की गारंटी कुछ भी नहीं है। बिकॉज मेरे साथ जितने भी बैचमेट्स थे मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग एज अ ग्राउंड स्टाफ और दे आर नॉट सेटल्ड एट ऑल। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन यू, वेन एवर यू गो फॉर इंटरव्यू मेक श्योर यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड डोंट टेक इट नेगेटिवली अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ था कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड जस्ट टू गो फॉर इंटरव्यूज एंड ऑल एंड आई वेंट, एंड वेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू आई वॉज ओनली 17 एट दैट पॉइंट, बिकॉज आई डोंट लुक लाइक 17, 20 or 18 एट दैट मोमेंट, आई डोंट थिंक सो मैं किसी भी एंगल से 17 की लगती थी उस समय, बिकॉज आई एम टॉल एंड आई लुक मैच्योर आई गेस। सो जब मैं गई तो एयरलाइन को पता नहीं चला, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, मुझे 17 में ही हायर कर लिया। दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू फॉर एनी एयरलाइन। बट हमारी कुछ मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, मैंडेटरी एज रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ चीज़ें इशू होनी होती हैं, वो मुझे इशू नहीं हुई। उस समय पता चला उन लोगों को कि आई एम अंडर 18, सो 18 प्लस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी एटलीस्ट 18 1 month, 18 2 month और 18 3 months, 18 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बींग 18 प्लस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सो आई टोल्ड दैट एयरलाइन मैंने वहाँ पे पीजी वगैरह सब कुछ ले लिया था बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे घर से अप डाउन करना पॉसिबल नहीं था और मेरा घर जो भी एकेडमी थी उसके 40 किलोमीटर्स में नहीं थी तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला एंड आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी फॉर पीजी इन एवरीथिंग बट ड्यू टू विच मुझे एक मंथ का पीजी का रेंट नहीं मिला था वापस तो मैंने एयरलाइन को मेल्स वगैरह किए कि आई कैन नॉट गिव इंटरव्यू अगेन एंड काफ़ी चीज़ें हुई. उसके बाद एयरलाइन ने मुझे श्योरिटी दी कि वंस यू कम्प्लीट 18 दिल हायर मी अगेन एंड दिल आस्क मी टू कम फॉर द ट्रेनिंग. फिर उसके बाद मैंने सोचा तब तक हमारा दिमाग तो वैसे भी चलता है, मैंने सोचा तब तक किसी और एयरलाइन का दे दूँ. फिर दिसंबर में मैंने एक और एयरलाइंस के लिए इंटरव्यू दिया, वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया था बट दे ऑल्सो गॉट टू नो आई एम नॉट 18 प्लस एट दैट पॉइंट बिकॉज मेरे को 18 होने में कुछ डेज थे बिकॉज 3 जन को मैंने 18 कम्प्लीट करना था. उसके बाद जब मैंने ये कंप्लीट किया देन भी उन्होंने भी मना कर दिया, सारे राउंड्स हो गए, लास्ट राउंड में उनको भी पता चल गया, दे सेड वेट फॉर फ्यू डेज. देन मेरी एयरलाइन जिसमें मेरा सिलेक्शन पहले से ही हो गया था उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली. फिर उसके मेरे ख्याल से 7 to 8 days बाद मुझे दूसरी एयरलाइन से भी कॉल आ गया था बट मैं ऑलरेडी 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट दे चुकी थी. येस गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, बहुत सी एयरलाइंस दे कैन टेक 50,000 ऑल्सो 75,000 इतने बीच के रेंज में वो लोग सिक्योरिटी मनी लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. ओके सो नेक्स्ट चीज़ फिर क्या हुआ, हमने ट्रेनिंग वेनिंग कंप्लीट करी, हमारी सेफ्टी ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, लॉट ऑफ ट्रेनिंग, 3 months ऑफ ट्रेनिंग वी कंप्लीटेड. बहुत ही अमेजिंग टाइम होता है बिकॉज आप अलग अलग लोगों से, सब लोग अलग अलग जगह से आए होते हैं, आप सबसे मिलते हो, सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. बहुत लोगों से आपकी पटती नहीं है, बहुत लोगों से पटेगी, तो मतलब इट्स लाइक अ ग्रुप, इट्स अ बैच. जैसे आपका कॉलेज टाइम होता है वैसे ही टाइम होगा. सो अगर किसी ने कॉलेज टाइम नहीं देखा है लाइक मी, दे कैन जस्ट इमेजिन वॉट काइंड ऑफ फीलिंग इज दैट. और फिर उसके बाद नया बेस मिला. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह से आपको तुरंत मिल जाए, अगर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, वैकेंसी होती है तो मिल भी जाता है, जनरली नहीं मिलते हैं. फिर मेरे को नया बेस मिला, वहाँ पे हमने फ्लाई करना शुरू किया, इट वॉज गोइंग वेरी गुड. देन आई सॉ माय डाउन्स, आई बिकेम थ्रू ऑफ द मंथ एंड एवरीथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एंड देन समथिंग विच हैपन वॉज माई ग्राउंडिंग. येस मेरे फेस पे पूरे एक्ने हो गए थे एंड माई होल फेस वॉज कवर्ड अप विद द एक्ने, मतलब यहाँ पे हर जगह एक्ने हो गए थे जिसकी वजह से मेरे को 3-4 months, मतलब 3 and 3 months आई गेस एग्जैक्ट 3 months मेरी ग्राउंडिंग हुई थी. मेरे को इतना रोना आ रहा था, मुझे लगा था आई थिंक एवरीथिंग इज स्पॉइल बट इट्स अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू टैकल द थिंग्स. सब कुछ वापस आया, my skin got back again. So if any one of you are getting acne, don't think like it, okay? कि मतलब कुछ हो गया है या मैं गंदी लग रही हूँ या ऐसा हो गया. आई नो इट्स अ वेरी बैड फेस, बहुत डिप्रेशन लगता है, यू फील लाइक एवरीथिंग इज जैसे सब खत्म हो गया है. सो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, डोंट लुक टू मच इन टू द मिरर, जस्ट टेल योर सेल्फ दैट यू आर ब्यूटिफुल. उसके बाद मुझे दिल्ली बेस मिल गया. कुछ टाइम बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह ख़त्म करी एंड आई गॉट वन मोर अपॉर्चुनिटी एज अ सीनियर क्रू एंड देन आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड टिल नाउ द फ्लाइंग इज गोइंग अमेजिंग, ट्रस्ट मी. और दूसरी चीज़ मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि कैप्टन और क्रू का कुछ चलता रहता है. सो गाइज कुछ भी गंदा सोचने की ज़रूरत है, दिस फील्ड इज़ नाइस ओके. जैसी बाकी फील्ड्स होते हैं वैसे इस फील्ड में भी हैं, हर फील्ड्स की कुछ अपनी अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं. सो हमारी फील्ड की भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लाइक बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. आप वो लग्जरी जीते हो जो आपको जीनी है या आपने कभी देखी नहीं है, शायद आप अफोर्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो सारी लग्जरीज आपको मिलती हैं. सो बीइंग अ कैबिन क्रू इज़ एन अमेजिंग फीलिंग. और ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक में घूमने में कोई प्रॉब्लम है या इंटरनेशनल देखना नहीं पड़ता या बहुत चीज़ें हैं. कई बार आप इंटरनेशनल लेवल पर जाओगे, कई बार आप डोमेस्टिक में भी इतनी सारी जगह है, अपने इंडिया में भी इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए हैं कि आप खुद सोचोगे कि क्या क्या रह गया है देखने के लिए यार. सो ओके, ऑल द बेस्ट पीपल हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यूज, आई होप एट सम पॉइंट यू वर एबल टू कनेक्ट विद मी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम CH Sapna Rai. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, द नेक्स्ट वीडियो विच इज going to come up is a styling video. I hope it is